spin it round, turn it upside down. Can't stop, can't stop. Shake your booty, it's your duty. Yo, baby, catch my style, catch my flow. Here I go, here I go, here I go. कौन है डिस्टर्ब कर दिया कि मम्मी बिना गलत टाइम पे फोन करती है हमेशा। हाँ मम्मी। हेलो नैन्सी, कहाँ है तू? छत पे ही तो मम्मी, और कहाँ हूँ? दो दिन बाद तेरे को स्कूल जाना है ना, तूने हॉलीडे होमवर्क किया ना, तूने स्कूल की तैयारी करी। छुट्टियाँ खत्म हो गई? कब, कैसे? हाँ मुझे तो पता ही नहीं चला। ठीक है, अरे यार सारा का सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा भला एंजॉय कर रही थी ये पूल और धूप, अब क्या करूं? मैंने तो कुछ होमवर्क भी नहीं कर रखा। ओह शिट, बाकी सबसे पूछती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। हेलो, अरे तुम लोगों को कुछ होश है भी कि नहीं है, है? तुम्हें पता है दो दिन बाद स्कूल खुल रहे, मैंने तो हॉलीडेज होमवर्क भी नहीं करा अपना। क्या? हाँ और क्या, पता है पूरे 10 महीने तक वेट करते हैं हम कि ये 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ेगी, और ये 2 महीने कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने अपना हॉलीडे होमवर्क कर लिया क्या? नहीं यार, मैं तो मम्मी पापा के साथ घूमने चली गई थी, इसलिए मेरा तो होमवर्क हुआ ही नहीं है। मुझे तो वायरल फीवर हो रखा था ना, इसलिए मैंने किया ही नहीं। जब से छुट्टियाँ हुई है ना, मुझे तो दस्त लगे हुए हैं, और कल ही ठीक हुए थे मेरे दस्त। नहीं, आज ठीक हुआ है मेरे दस्त, तो इस वजह से मैं हॉलीडे होमवर्क नहीं कर पाया। अरे ओ ये बहाने ना तुम लोग मेरे सामने तो दिखाओ मत। 10 साल हो गए, 10 साल से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और तुम्हारे यही बहाने चलते आ रहे हैं। और अब तो अनुराग सर को भी पता चल गया तुम्हारे इन बहानों के बारे में, इस बार वहाँ भी काम नहीं करेंगे। और तुम्हें तो पता है ना कि प्रोजेक्ट में 0 मार्क्स लगा देंगे अगर तुमने हॉलीडे होमवर्क नहीं दिया तो। हाँ यार हॉलीडे होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं हर साल हमें लास्ट के 2 दिन में क्यों याद आता है कि हॉलीडे होमवर्क भी करना है। कोई नहीं, इस बार हम पक्का करेंगे। हाँ सही कह रहा है, चल एक काम करो तुम लोग मेरे घर के बाहर आ जाओ, और फिर ना वहाँ से हम स्टेशनरी चलते हैं, सारे के सारे चार्ट्स मैप्स लेके आ जाते हैं, और हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करते हैं अपना। ठीक है जल्दी से आ जाओ। अच्छी वाली वाइब ले रही थी, नारियल पानी पी के और धूप सेक रही थी, वो भी पानी के अंदर। सारा का सारा मूड खराब कर दिया ये हॉलीडे होमवर्क ने। कितने कितने पैसे मिले तुम्हें घर से बुक्स के नाम के? मेरी मम्मी ने तो मुझे 10 रुपए दिए हैं, और बोला कि दोस्तों से उधार ले लियो, जब पापा की सैलरी आएगी ना तो लौटा देंगे। दे दिए तूने वापस, आज तक तो एक पैसा भी वापस दिया नहीं है। क्या? कुछ नहीं, मेरे पास तो पैसों की कमी ही नहीं है, तो तुम लोग टेंशन मत लो। हाँ ठीक है फिर, काम में तो इसी से ले लियो पैसे। नहीं मैं नहीं देने वाली तेरे को कोई पैसे वैसे, तू ही देगी इसको। मेरे पास तो बस 21 रुपए ही है, वो भी कल ना मम्मी के साथ, कल कीर्तन में गया था, वहाँ पे किसी ने चढ़ाए थे, मैं वहाँ से चुरा के ले आया। चोर कहीं का। चलो अब जल्दी चलते हैं, बहुत सारा होमवर्क करना है। गोबर। छी। गोबर यू। छी उल्टी। क्या कॉम्बिनेशन है? अब जल्दी जल्दी देख लो किसको क्या लेना है। मुझे तो साइंस के डायग्राम के लिए चार्ट पेपर चाहिए, और मुझे हिंदी के प्रोजेक्ट के लिए A4 साइज डिजाइनर शीट चाहिए, और मुझे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने तो मुझे रजिस्टर चाहिए। हाँ वो भी तो चाहिए, और ना हम स्केच पेन और स्पार्कल पेन भी ले लेते हैं, अच्छे अच्छे वाले। अब भैया। हाँ मैम जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या चाहिए आपको। आप ना चार्ट निकाल दो, चार कौन कौन से कलर के। मुझे ग्रीन, येलो, व्हाइट, और मेरा पिंक, ये चारों दे दो आप। ठीक है ग्रीन, येलो, व्हाइट और पिंक। एक मिनट मैम, मैं अभी लाके देता हूँ।
येलो मैडम आपके चार्ट, ये आपका येलो चार्ट, ये आपका ग्रीन चार्ट और ये आपका व्हाइट चार्ट। कितने का चार्ट है भैया? मैडम आपका एक चार्ट हो गया 15 रुपए का। अच्छा अच्छा 15 का, हाँ क्या सही है, चुप करो ना पागल कहीं के, अब रेट कम करवाते हैं ना, पैसे बचाएंगे तभी तो पार्टी करेंगे उनकी, है ना? आइडिया तो अच्छा है भैया, 15 का थोड़ी ना आता है, 10-10 के चार्ट आते हैं, हम तो 10-10 के ही लेके जाते हैं। मैम कौन से जमाने में जी रहे हो, पहले आते थे 10-10 रुपए के, अब तो महंगाई हो रही है, तो 15 रुपए के हो गए हैं ये। कहाँ से रेट बढ़ गए, हमारे स्कूल की फीस तो नहीं बढ़ी अभी तक। हाँ नहीं तो झूठ झूठ बोल रहे हो आप, 10-10 के लगा लो। लगा लो भैया, लगा लो, लगा लो ना भैया। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट आपके लिए 12 रुपए लगा दूंगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं भैया, सिर्फ 10 रुपए देंगे हम, 10 रुपए में तो मेरे को भी खरीदनी मिली। फिर भैया हम दूसरी वाली दुकान पे चले जाएंगे, 7 वाली। और दे देता हूँ तो फटा हो जाएगा। अरे मैडम कोई बात नहीं, आप 10 रुपए के ले लो। लगा ले, लगा ले, लगा ले। और बताओ मैडम क्या चाहिए आपको? और क्या क्या चाहिए? और मुझे चाहिए पॉलिटिकल मैप, तो भैया फिजिकल मैप देख देना। पॉलिटिकल मैप मुझे ना हैंडराइटिंग के लिए अलग अलग नोटबुक्स चाहिए, और मुझे हिंदी के लिए वही डिजाइनर शीट। ठीक है, ओए हम एक काम करते हैं ना, अलग अलग रजिस्टर लेने से अच्छा ना एक ही रजिस्टर ले लेते हैं और उसमें 4 पार्ट्स कर लेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, पैसे बच जाएंगे इसमें भी। ठीक है भैया, अच्छे वाले रजिस्टर देना, व्हाइट कलर के पेज वाले, और सॉफ्ट भी होने चाहिए। एक मिनट दो मैडम, अभी ला के दिया रजिस्टर आपको। मैडम ये लो आपके बढ़िया पेजों के रजिस्टर। कितने कितने के भैया ये? मैडम बस एक रजिस्टर 50 रुपए का। 50 रुपए का एक? भैया हाँ नहीं तो आप तो हमें ही लूट रहे हो, बताओ आपकी दुकान से ही लेके जाते हो और हमसे ही आप रेट ज्यादा ले रहे हो। हाँ थोड़ा तो कम कर लो भैया। भैया 40 रुपए का लगा लो ना। भैया तो हमें लूटने वाले हैं आज ही। हाँ भैया 40 के लगा लो। मैडम आप हर एक चीज पे रेट क्यों तोड़वा रहे हो, इसमें मैं कम नहीं करूंगा, ये 50 रुपए का ही पड़ेगा आपको। भैया क्या हो गया भैया, छोटे छोटे से तो बच्चे हम लोग, हमें हॉलीडे होमवर्क भी करना है, अपने मम्मी ने इतने ही पैसे दिए, गाय के इतने पैसों में ही सब कुछ लेके आओ, भैया हमारा होमवर्क रह जाएगा तो मैम मारेगी, बहुत लगा लो ना। ठीक है ना, ठीक है ना भैया, ठीक है ना। अरे भैया 30-40 रुपए की खरीद होती है, आप 40 रुपए का रजिस्टर दे दो। भैया मेरे को 45 रुपए का ही पड़ता है, ठीक है, और बस 50 रुपए का बेच रहा हूँ और 5 रुपए कमा रहा हूँ आपसे मैं। भैया ठीक है ना, लो 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 आप 40 के दे देना ना, ठीक है ना। अरे यार ये तो दिमाग खा जाएंगे। हाँ ठीक है, मान गए मान गए, चलो ठीक है ले लो। अपने अपने रजिस्टर पकड़ो ना, सारे मेरे को पकड़ा रखे हैं। हाँ, अब ना आप मैप निकाल दो और स्केच पेन निकाल दो और थोड़े से हमें ना अच्छे अच्छे वाले पेन दे दो और डिजाइनर शीट्स भी, कलरफुल वाली। ये लो मैडम आपके पॉलिटिकल मैप और ये आपके बढ़िया वाले स्केच और ये मैडम आपका एक नंबर वाला पेन। पेन भी सही है, ठीक है। कितने हो गए भैया इन सबके? मैडम टोटल हो गए आपके 2050 रुपए। भैया ये तो फ्री दे दो, मैम तो 1-1 रुपए के आते हैं। और क्या भैया, मम्मी भी जब सब्जी लेने जाती है ना तो धनिया और मिर्ची फ्री में लेके आती है, आप हमें 1-1 रुपए वाले मैप नहीं दे सकते क्या? अरे मान जाओ भैया मान जाओ, अपने अपने पैसे निकालो। 10 रुपए बहन, अभी 10 रुपए ले ले, बाकी के बाद में दे दूंगी। ये लो भैया। मैडम एक मिनट, ये 2000 के नोट तो कब के बंद हो चुके हैं? अरे तो क्या हो गया भैया, अभी बंद थोड़ी ना हुए हैं, अभी तो टाइम है, जब तक चल रहे चला लो, उसके बाद फिर बदलवा लेना आप। मैडम कोई नहीं लेता 2000 के नोट, आप मेरे को 2000 का मत दो, खुले दे दो आप मेरे को। हाँ और क्या, सितंबर तक चलेंगे, आप तब तक चला लो ठीक है। अरे अरे यार ये तो मेरे को चूना लगा के चले गए, उल्टे जेब से पैसे और भरने पड़ जाएंगे मेरे को। अब सारा सामान आ गया ना, अब जल्दी से सारा का सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं, है ना? तू क्या कर रहा है? मैं तो ना हाउ आई स्पेंड माय समर वेकेशन का ऐसे लिख रहा हूँ, सारा नेट पे मिल गया, एज इट इज टेप दूंगा। सही है यार। हाँ मैं भी मैप भर रही, देख मैंने मैप खोल भी लिया। ठीक है तू ना एक मैप भर ले और हम सारे के सारे ना उसी मैप में से टेप लेंगे। ठीक है। और तू? मैं तो हार्ट का डायग्राम बना रही हूँ, कैसे बनेगा इतना मुश्किल है। बन जाएगा ठीक है, देखती रहे देख देख के बनाती रहे, मैं तो अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ सारे।
गेम खेल लेते हो। मेरा तो सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो गया। फाइनली मेरा हॉलीडे होमवर्क हो गया। यस मेरा मैप हो गया कंप्लीट। यस अरे ये सो क्यों रही है? इसको इतनी जल्दी हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो गया क्या? इसने तो कुछ भी नहीं किया, दो सम करे सिर्फ। बस दो सम किए इसे और सो गई ये। हाँ हाँ उठा रहे इसको। रुक तू अभी। ओए अभी तो तेरे सारे क्वेश्चन रहते हैं, देखियो इतने सारे पेज है, कैसे करेगी अब? हाँ तो क्या हो गया, दो क्वेश्चन तो हो गए, तुम्हारा कौन सा हो गया होमवर्क? तूने सिर्फ दो ही क्वेश्चन करे हैं, पागल है क्या? हमारा सबका हॉलीडे होमवर्क भी हो गया है। और नहीं तो क्या, हमारा तो सारा होमवर्क हो गया, पूरा होमवर्क हो गया तुम्हारा। हाँ मैप चार्ट सम और हैंडराइटिंग सब कुछ। अब देखियो तू, जब तू स्कूल जाएगी ना, मैडम तेरे को थपड़म थपड़ा मारेगी। है ही तू पिटने लायक। सही कह रहे, पूरा नहीं हुआ तो मैडम मारेगी। यार मेरा तो सारा काम रहता है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तू मेरे दोस्त हो ना? हाँ वो तो है। तो ठीक है, तुम तीनों मिलकर मेरा सारा होमवर्क कर दो। अबे चल। बस यही थी तुम्हारी दोस्ती, यही था तुम्हारा प्यार, बीच में आ गई होमवर्क की दीवार। नहीं पक्का नहीं करोगे? पक्का नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, पक्का। आखिरी बार पूछ रही हूँ। हॉलीडे होमवर्क कर दो, हम अपना लगे रहे और ये करी ना। अब तो करोगे? तो करोगे? मैं तेरा सारा हॉलीडे होमवर्क मैं करूंगा, मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं ना, तेरा सारा होमवर्क कर दूंगा। तू क्यों करेगा इसका होमवर्क? मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूं तो मैं ही करूंगी इसका होमवर्क। तू क्यों करेगी इसका हॉलीडे होमवर्क? मैं करूंगी इसका हॉलीडे होमवर्क, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूं, मैथ्स का चार्ट हर चीज मैं कर दूंगी। अबे तू कब से इसकी बेस्ट फ्रेंड होगी? मैं करूंगी इसका होमवर्क, तू नहीं करेगा, तू भी नहीं करेगी, मैं करूंगी सिर्फ। तू नहीं करेगी? ये कोई लड़ने वाली बात है? बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम तो एकदम। अरे मैं करूंगा नैन्सी का होमवर्क सिर्फ। मैं हूँ इसकी दोस्त, मैं करूंगी। अच्छा चुप। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त लड़े आपस में, मेरे पास सबके लिए कुछ है। ये पत्ती तेरी, ये पत्ती तेरी और ये पत्ती तेरी। अब तीनों के तीनों जल्दी से मेरा सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर दो। सही से अच्छे से। सो जाती हूँ, टाइम लगेगा नहीं अभी तो। ओए होए 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 होए, चैन की नींद। वाह वाह वाह, पैसा इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता है। आ हा हा, सो चैन की नींद। कोई नहीं, मैं इसके मैप कर देती हूँ। हो गया सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट। लेकिन अब करेंगे क्या, ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे।
एक काम करते हैं ना, कुछ खेलते हैं, अभी तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। पर बाहर तो बारिश हो रही है, क्या खेलने जाएंगे? बाहर तो बारिश आ रही है, तो घर में ही कुछ खेल लेते ना। और खेलना जरूरी है भाई, कल से टाइम नहीं मिलेगा, वैसे भी अब छुट्टियां खत्म हो गई है, तो फिर कल से तो पढ़ाई स्टार्ट करवा देंगे स्कूल वाले। छुपन छुपाई ना, बैड आइडिया, बहुत ही बुरा आइडिया है। हाँ आंख मिचोली खेलते हैं, ड्राइंग रूम में ही खेल लेंगे, मम्मी भी नहीं डांटेगी। गुड आइडिया, खेल सकते हैं। हाँ चलो चलो आंख में चली ही खेलते हैं। चलो चलो जल्दी से खेलते हैं। चलो ये रख लो सारा अपना अपना सामान। मिले मिले साथी ना मिले चोर, 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 मिला मिला साथी मेरे दादा चोर, मिला मिला साथी मेरे दादा चोर, मैं गई चोर, डाई 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 डाई। चल चेक करो, दिख तो नहीं रहा इसे। ओए ये किधर है, ये बताना कितने हैं? दिख रहा है। ये कितने हैं? पांच। हाँ ठीक है, दिख रहा है। इसको मैं भी दिख रही थी, इसे मेरे को मारा। ये पकड़ा। देखो देखो मेरे को हाथ बंद लगाओ। चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, इसको नजर आ रहा था सब कुछ। ऐसी कौन सी चीटिंग होती है, तू आउट हो गई ना इसलिए ना, चीटिंग मत कर, तू कर रही है चीटिंग, आई बस समझ में? तो फिर ये चीटिंग कर रही थी। हानी तो ये नीचे क्यों हुई, मेरी क्या गलती है इसमें? ओए चुपचाप ना, तू टाइम दे, ज्यादा बहस मत कर। तू इनकी साइड हो गया, तूने तो मुझे कहा था कि हाँ काजल को फंसा दे। मैंने कब बोला? अच्छा तो मतलब तुम दोनों मिले हुए थे, अब तो तू ही टाइम देगी देख। हाँ ठीक है दे दूंगी, रो मत तीनों के तीनों। ठीक है बांधो पट्टी। ये कितने हैं? चुप कर, बंधने तो दे पहले। ओए आराम से बांध, मेरी आंख फोड़ेगी क्या, इतनी टाइट कर दी। ओए चीटिंग मत कर, ये बता कितने हैं? भाई आंख वैसे टाइट हो रही है, थोड़ा सा करने दो, थोड़ा सा। नहीं नहीं अच्छा चीटिंग करेगी देखा। चीटर कॉक। चीटर कॉक कितने हैं? पांच दस पंद्रह बीस, घूम जा। चलो भाग चलते हैं, इसको खेलने दो अकेले। हाँ पागल बनती रहेगी, अकेले खेलती रहेगी। हाँ नहीं तो मम्मी भी डांटेगी हमें घर पे। हाँ चलो चलो। टांगे अब देखो कैसे पकड़ती हूँ तुम सबको मैं, इतनी लंबी लंबी टांगे है ना मेरी। ये आया, ये पकड़। कहाँ भाग गए सारे? कहाँ है, कहाँ है? अब पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे यार कहाँ चले गए, पकड़ में क्यों नहीं आ रहे तुम मेरे? थकी ना तो थकी, मैं नहीं खेल रही। ये तीनों कहाँ चले गए? गेट खुला है, भाग गए तीनों के तीनों चोर। मैं तब से दो घंटे से यहाँ डाइन दिए जा रही हूँ। ड्रेस कहाँ चली गई? शर्ट मिल रही ना, पैंट मिल रही ना, टाई ना, बेल्ट।
मम्मी क्या मम्मी क्या मम्मी मर गई मम्मी 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 पूरा टाइम क्या है अरे मम्मी मेरी शर्ट का है ना पैंट मिल रही है ना टाई मिल रही है और ना बेल्ट मिल रही है खुद याद कर दो महीने पहले कहाँ पटके थे सारा काम मम्मी करके दे मम्मी है मम्मी वो पूरे घर में चिल्लम चिल्ली मचा रखी है बच्चे याद आ गई मम्मी सारी चीजें हाँ मिल गए तो अब झाड़ू लगा ले वैसे भी तूने झाड़ू नहीं लगाई आज चलो स्कूल यूनिफॉर्म भी रेडी हो गई और सारा का सारा होमवर्क भी कंप्लीट हो गया अब बस स्कूल जाना है पर यार सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए इतने दिनों से कितने आराम से 10 बजे उठ रही थी मैं काश थोड़े और दिन छुट्टियां बढ़ जाती और गर्मी पड़ने लग जाती गरम गरम ओले गिरने लग जाते और छुट्टियां बढ़ जाती 1 महीने के लिए पर क्या करे स्कूल तो कल जाना ही पड़ेगा ए भगवान थोड़ी सी और गर्मी गिरा देते ना चल मम्मी मेरी साइंस की बुक कहाँ है साइंस की ब्राउन कलर की हाँ ओए बेटा मेरे को तो लगा वो वेस्ट किताब है तेरी मैंने तो तेरे पापा को रोटियां लपेट के दे दी उसमें ऑफिस के लिए वाह वाह मम्मी वाह 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 तालियां बजा रही है दर तेरे को शर्म भी है 2 महीने से किताबें बाहर पड़ी हुई हैं पता नहीं है मम्मी बह बह क्या वाह हाँ तो एक बार पूछ तो लिया करो मेरे से कोई भी सामान फेंकने से पहले कुछ भी कर देते हो बस कभी कुछ फेंक देते हो कभी कुछ फेंक देते हो अब स्कूल जाना है मेरे को कल क्या करूं मैं कहां से लाऊं बुक हाँ तो जा नई किताब ले जाके मेरे सर में तो हाँ तो पैसे दो फिर पापा नहीं देते पैसे जाके ना मेरे बटुए से ले ले नहीं देते सही है इसमें पैसे बचा लूंगी 10-20 रुपए और आ जाएंगे पॉकेट में सर हमारा हॉलीडे होमवर्क तो चेक कर लो अब तो 5th पीरियड भी स्टार्ट हो गया आपने अभी तक चेक ही नहीं करा है अरे ले लूंगा ना कौन सी बड़ी बात है देखो मौसम बढ़िया हो रखा है ताकि खेलो भी जाओ जाओ अरे सर ले लो ना हमारा हॉलीडे होमवर्क सर हमने बहुत मेहनत से किया है एक बार चेक तो कर लो हाँ सर इतनी मेहनत से हार्ट का डायग्राम बनाया है देख तो लो हाँ सर हमारे चार्ट्स भी खराब हो रहे हैं देखो फटना भी शुरू हो गया है सर आप ले लो ना चेक कर लो अभी चलो ठीक है एक काम करो जमा करवा दो यहाँ पे पर सर चेक तो कर लो हमने कितनी मेहनत से बनाया है ये हाँ सर बेटा टीचर मैं हूँ ना चेक कर लूंगा तुम जमा करा दो ना पहले आओ अब तुम लोग ये बताओ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने छुट्टियों में क्या क्या किया बताओ सर मैं बताऊंगी सबसे पहले मैं ना अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने गई थी वो भी अलग अलग जगह पर मुझे तो बहुत मजा आया छुट्टियों में और मैं गई थी लंदन लंदन सर झूठ बोल रही है झूठ एक नंबर की है कहीं लंदन वंदन नहीं गई है इसको तो पता भी नहीं कि लंदन है कहाँ पे और पता है सर इसको लगता है लंदन इंडिया के अंदर है और सर कुछ नहीं बस 2 महीने तक अपनी नानी के घर में पड़ी हुई थी और सर इसकी नानी का घर ना 2 गली छोड़ के बढ़िया
बढ़िया जी बढ़िया। सर मेरा तो बिल्कुल सिंपल था, सुबह उठ के मम्मी दूध लेने भेज देती थी, दूध लाने के बाद फिर मम्मी बोल देती सब्जी ले आ, सब्जी लाने के बाद बोलती दही ले आ, दही लाने के बाद बोलती घी ले आ। हाँ बेटा दिख ही रहा है घी खा खा के तूने अपना पेट बढ़ा लिया, बहुत बढ़िया। चल बेटा नैन्सी तू बता तूने क्या क्या किया। सर मैंने तो बहुत सारा काम किया, पढ़ना सारा का सारा अपनी मम्मी के हिसाब से करा। पता है सर कितना अत्याचार करती है मेरी मम्मी, सारा काम मेरे से करवा लिया, झाड़ू पोछा बर्तन, और तो और काम वाली आंटी को भी छुट्टी दे दी, कहती कि अब तो तेरी छुट्टियां पड़ गई है घर में ही रहेगी तू, तो दो महीने तू ही सारा काम करियो, पैसे भी बच जाएंगे। चलो ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक काम करो, पेपर आने वाले ना, जाके तैयारी करो, जाओ मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो छोटू रद्दी वाले, अच्छा मैं कह रहा हूँ ये रद्दी बहुत इकट्ठी हो गई है, आके रद्दी ले जा और कुछ पैसे दे जा। रद्दी हाँ बहुत बढ़िया, आ जा आ जा, हाँ जी हाँ जी।